तीनों के नाम बोले, एमसी प्रियंका और शिव अर्चना, बहुत फनी लगती है मुझे। कुछ मैं ही जीती हूँ भाई, क्योंकि निकल आई हूँ पहले बाहर, और कोई भी जीते। मैंने जो तीनों के नाम बोले, एमसी प्रियंका और शिव, मुझे लगता है अगर इन तीनों में से कोई जीतेगा तो हाँ मेरे को अच्छा लगेगा। बाकी मैंने इतना फॉलो नहीं किया मैंने बिग बॉस। जर्नी देखी नहीं, जर्नी तो मेरे को ऐसा मुश्किल सवाल पूछ लेते हो ना, कभी मुझे कोई पूछ लेता पेट्रोल के दाम बढ़ गए, मेरे को क्या पता जर्नी क्या, मतलब मैंने जर्नी आधी आधी देखी है। और मेरे को तो सबका, मेरे को अर्चना बहुत फनी लगती है, और एमसी भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बनावटी नहीं लगता मुझे, वो इधर जो है वो ही इधर है उसके। लेफ्ट और राइट अब मैं और कृष्णा ही थे अभी, बाकी नहीं मैं किसी को देखी, मैं ये तीनों को ही देखती हूँ खड़े, बाकी लेफ्ट राइट में मुझे कुछ नहीं पता। मैं खुद घर जाके देखने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता आज ही आने वाला है ना, और इससे पहले मैं और ज़्यादा काली हो जाऊँ कि मेरा शो है, मुझे माफ़ कर दो। बहुत गर्मी, अरे मोबाइल पीछे, बहुत गर्मी थी, हम घर के अंदर थे मैं और कृष्णा, बहुत मजा आया। बस आज फिनाले है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा विनर कौन है। क्या लगता है आपको, आप मेरे से पूछते, मैं आपसे पूछती, आप किसको सपोर्ट करते पहले आप वो बताइए। गोल का, मैं अपने हस्बैंड, ये बोलते गोला को। हाँ यार, मैं उधर जाना है अभी मेरे को गोला के पास, पर मुझे लगता है अगर प्रियंका, शिव और एमसी, इन तीनों में से अगर कोई जीतेगा तो मुझे लगेगा यस। आपको नहीं, चुप ही हो गए सारे, गलत बोल दिया। हरीश भाई को भेजो अगले साल। हाँ जी, हरीश भाई को भेजो अगले साल, तू भी जाओ। क्या मुंह तोड़ जवाब दिया भाई, जाओगे अर्ष के साथ? आपको अर्ष अच्छा लगता है? तभी कहूँ, बार बार कहता कुछ को बुला। चलो थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, ऐसे नीचे से कौन सा अंदर है? चलो भाई, भाई हट जा पीछे, क्लियर कर दो। अरे नहीं आएंगे भाई, हट जा पीछे, क्लियर कर दो। नहीं देख रहे भाई, भारती जी सेंटर में, भारती सेंटर, पेट का क्या एंगल है, मेरा मुंह कहाँ आएगा? मत सेम पोज, सब को जाएगा। हाँ वो सच, मुझे ना कुछ करवा रहे, मैं भी खड़ी जा रही। चलो थैंक यू भाई, थैंक यू, आ जाइए बेटा। सर